News 27 राजस्थान। पाली जिले के बांता गांव में चल रही रामकथा व नानी बायरो मायरो का समापन के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शीतला माता चौक में चल रही श्री रामकथा महोत्सव व नानी बाई का मायरा का मंगलवार रात को समापन हुआ। इसको लेकर बुधवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पर ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा से स्वागत किया। इससे पूर्व धर्मसभा में संत माधव गोपाल महाराज ने कथा का महत्व बताते हुए कहा कि कथा सुनने से मानव के समस्त दुखों का हल होता है। धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण, गीता, रामायण, महाभारत में सभी समस्याओं का हल है। मनुष्य यदि धर्म की राह चले तो निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में भारत की वैदिक संस्कृति को भूलती जा रही है, इसलिए हमें अपने बच्चों को घर से ही आध्यात्मिकता व धर्म की ओर मोड़ना होगा ताकि वह आगे चलकर संस्कारित बन सके। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा संत को 1,25,000 रुपये गोसेवा व समाज सेवा के लिए प्रदान किए। सभी का बहुमान कर महोत्सव का समापन किया गया। कार्यक्रम में घनश्याम मालवीय, दिनेश माली, महेंद्र माली, मांगीलाल मेवाड़ा, मेघाराम मेवाड़ा, प्रभुलाल मेघवाल, गणपत प्रजापत, राजकुमार वैष्णव, प्रवीण कुमार, भंवरलाल सरबरा, अरविंद सिंह, मांगीलाल चौधरी सहित कई कार्यक्रम।